सीटेट की परीक्षा देने जाने वाले पहले सबसे पहले उन सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपने छोटी छोटी गलतियां नहीं की तो आपको सीटेट पार होने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार का सपना आपका जरूर पूरा होगा। सीटेट के ओमार सीट में क्या क्या सावधानी बरती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना, इस सभी पर एक एक करके हम आपको बताएंगे, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले अपने पास प्रवेश पत्र होना चाहिए, प्रवेश पत्र के साथ उस पर जो फोटो लगी एक दो फोटो एक्स्ट्रा रखिएगा। साथ ही आपने जिस डॉक्यूमेंट का प्रयोग किया, मतलब फोटो युक्त आपकी वो दस्तावेज और डॉक्यूमेंट जो आपकी पहचान बता रही हो, तो वो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या आपके पास आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, उनका प्रयोग कर सकते हैं इस परीक्षा हाल के अंदर जाने के लिए। प्रवेश पत्र के साथ आप प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के बाद सबसे सामने ये आता है कि परीक्षा में पेपर में बुकलेट कितने मिलेगी, तो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अगर आपने किसी अन्य भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में चुना है तो आपको दो बुकलेट मिलने वाली है। मतलब मैं एग्जांपल, अगर आपने हिंदी और अंग्रेजी को चुना है भाषा में तो आपको बस एकल एक बुकलेट मिलेगी, लेकिन अगर आपने हिंदी के साथ संस्कृत को चुना है या अंग्रेजी के साथ संस्कृत को चुना है तो आपको दो बुकलेट मिलेगी। दोनों बुकलेट में कई बार क्या होती है, गलती हो जाती है, जैसे जब जिस कक्ष में आप बैठे, जिस कमरे में बैठे, मान लो 40 लोग बैठे हैं, उसमें 13 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश भाषा द्वितीय है और बाकी जो लोग हैं 27 लोग उनका भाषा द्वितीय संस्कृत है, तो एक क्रम से बुकलेट बांटना शुरू कर देता है जो एग्जामिनर होता है, जो कक्ष निरीक्षक होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको देख कर तुरंत हमारे भर लेते हैं। तो उसमें गलती हो जाती है कि केवल जो उनका संस्कृत उन्हीं उन्हीं के टेबल पर रखना होता है। उससे क्या होता है, जो आपका पहला बुकलेट होता है बुकलेट ए और बुकलेट बी, ये दोनों के बुकलेट नंबर एक होते हैं, अलग अलग नहीं होते। बुकलेट कोड जैसे यम है तो उसका भी यम, यन है तो उसका भी यन, ए है तो उसका भी ए, पी क्यू आर है तो उसका भी है, एक्स वाई जेड है तो उसका, मतलब जो बुकलेट पहली होगी वही बुकलेट नंबर दूसरी होगी और बुकलेट के साथ साथ बुकलेट नंबर भी आपका टैली करेगा। टैली करने के साथ ही आप उसको सॉल्व करना शुरू करिएगा। भाषा में ध्यान रखिएगा कि भाषा चयन कैसे करना है, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, जो भी परीक्षा में भाषा होती है वो सभी 60-60 प्रश्न होते हैं, मतलब हिंदी भी 60 रहेगा, 91 से 150, संस्कृत भी 91 से 150, अंग्रेजी भी 91 से 150। अब उसमें कौन सा करना है, तो जो भाषा फर्स्ट को रखेंगे वो 91 से 120 करेंगे, आपको मार्क्स भर जाएगा। फिर 121 जो भाषा द्वितीय होगा उसे 121 से लेकर 150 सॉल्व करना होगा। तो सीटेट में भाषा चयन को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका भाषा चयन से संबंधित जो समस्या, जो दिक्कत है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। दूसरी बड़ी समस्या ये आती है कि ओमार शीट में गोला कैसे करते चले, तो जैसे जैसे प्रश्न सॉल्व होता जाए वैसे वैसे क्रम से आप गोला करते चलिए। ब्लैक बॉल पेन पॉइंट का मतलब काला जो पेन होता है, बॉल पॉइंट पेन होता है, उसी का इस्तेमाल करना है। तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल आपको पूरे ओमार शीट को भरने में करना है, और एक मोटा वाला आता है जिसका 0.6 होता है, 0.06 या 0.6 करके आता है, जिसका मोटा होगा ताकि भरने में आप आसान हो। जेल पेन का इस्तेमाल कतई नहीं करना है। ध्यान रहे, ओएमआर शीट को भरने में अगर आप कोई भी गलती की तो आपकी पहले बात तो कॉपी नहीं चाहिएगी, आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, और उसको जो गोला करना, जैसे आपने तीन भर लिया, तीन के नीचे तीन को गोला कर लीजिए, इस तरह एक करके क्रम से पूरा भरिएगा। अगर एक बार हस्ताक्षर में अगर कोई दिक्कत हो, ऊपर नीचे होगा कोई दिक्कत नहीं है, अंगूठा ऊपर नीचे होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका बुकलेट नंबर सही होना चाहिए, ध्यान से एकदम भरना है। ओएमआर शीट पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर एकदम ध्यान से भरना है, डीओबी को ध्यान से भरना है, मतलब जो जो चीजें भरनी है जिसको नीचे गोला करना है वो पूरी तरह सही होना चाहिए, किसी प्रकार से गोला बाहर न जाए। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी तब सवाल उठता है कि सर निगेटिव मार्किंग नहीं, क्या तुक्का मारना चाहिए? जरूर मारना चाहिए, क्योंकि अगर जो नहीं मारता उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, क्योंकि अगर 150 प्रश्न आ रहा है और आपको 150 में अगर आपको 5 प्रश्न नहीं आ रहे कि आप छोड़ कर आएंगे तो यह मूर्खता है। आपको सारे प्रश्न करने, हो सकता है जो आप लगा के वो सही हो जाए, इसलिए तुक्का में ध्यान देना कि ये सभी जहां पे आए वो पोस्ट लगा देना कि ये सभी 80% सही होते हैं, ये दोनों 80% सही होते हैं, इसमें कोई नहीं, ये 10% केवल सही होता है, 90% गलत होता है। बच्चों को मारना नहीं है, डांटना नहीं, सताना नहीं, एनसीएफ 2005 आपको ध्यान से पढ़ना है, एनसीएफ 2005 से आएगा पूरा एनसीईआरटी, अगर आपने ई-लर्निंग पे दुर्गेश से नोट्स पढ़ेंगे उससे बाहर आपको सवाल नहीं मिलने वाला। एनसीएफ 2005, नई शिक्षा नीति, आरटी 2009, इनको मिलाकर कुल 40 सवाल आने वाले हैं, हर जॉब की परीक्षा होने वाली है सीटेट की, उसमें 40 सवाल पूछे जाएंगे, एनसीएफ 2005, आईटी 2009 और नई शिक्षा नीति 2020 माने नेप 2020 से। इसके अलावा अगर सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में शिक्षण है, बच्चों कैसे पढ़ाना, क्योंकि बच्चों को समझाना है, पूरी सीटेट में ध्यान रखना है बच्चा ही हमारा भगवान है और बच्चे भगवान की तरह हमें पूजना है, और उस बच्चे को इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बच्चे को मारना नहीं है, डांटना नहीं है, हमेशा बच्चा ही सही होता है। किसी भी दशा में टीचर की उत्तरदायित्व होती है, विद्यालय परिवार की उत्तरदायित्व होती है, बच्चा हमेशा सही होता है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। उसे याद नहीं कराना, उसे रटाना नहीं, उसे गिरेकार नहीं देना, उसे होमवर्क को प्रेशर नहीं देना है, उसको समझना है, उसको हमें बाहर की दुनिया से जोड़ कर रखना है, अपनी बातों को बाहर समझाने का प्रयास करना है, और इसी के साथ साथ आपको अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का पूरा पूरा प्रयोग करना है, क्योंकि इसमें से कौन सा नहीं है
नहीं वाले सवाल में नहीं को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि प्रह लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या होगा, टाइम के साथ चलेगा, मतलब जो भी प्रश्न आ रहा है उसे तेजी से सॉल्व करिएगा, और जो नहीं आ रहा है उसे गोला करते चलेगा, ताकि दोबारा आपको पेज पलटने में आसानी हो जाए कि ये प्रश्न हमने नहीं किया है, जो कन्फ्यूजन वाला सवाल है। लेकिन प्रश्न को वापस आने के लिए छोड़ने की जगह आप एक क्रम से करते चलेगा, जो सेशन आपको सरल लगे। गणित में लगता है आपको टाइम टेकन है, गणित बाद में करिएगा। संस्कृत तक लगता है कि सर इसको मैं बाद में करने को, टाइम टेकन है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं, मुझे असुविधा हो सकती है, तो आप उसे लास्ट में करेगा, उसे अंत में करने का प्रयास करेगा। इस तरह आप इसे बेहतर और तरीके से कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर अब हमारा बुकलेट भी भरा गया, अब हमने फॉर्म भी भर लिया, अब टाइम मैनेजमेंट भी हो गया, तो आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, कुछ अच्छे बीटीसी का अभ्यर्थी कह रहे सर मैं पेपर सेकंड क्यों देने जाऊं, मैं तो पेपर फर्स्ट के लिए हूं, पेपर सेकंड के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं। देखिए दोनों पेपर देख लीजिए, क्योंकि निकट भविष्य में क्या होना किसी को नहीं पता। बीएड के अभ्यर्थी दोनों पेपर दीजिएगा, अब बाकी आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं, पेपर फर्स्ट भी पेपर सेकंड भी दोनों दे सकते हैं। तो डीएलएड के अभ्यर्थी भी दोनों दे और बीएड के अभ्यर्थी भी दोनों दे, और ऐसा आपकी मर्जी, मेरा व्यक्तिगत सलाह। लेकिन बीटीसी और डीएलएड के अभ्यर्थी प्राथमिक पर पूरा फोकस करें, इसी के आधार पर आपको नई शिक्षक भर्ती भी मिलने वाली, और जल्द ही आपको ये मिलने वाली। आपको यहाँ पे डेमो मार्कशीट दिख रहा होगा सर, मेरे बगल में सर दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बगल में लगा हुआ है, ये क्या इस तरह से लगा हुआ है ना। तो आप इस एमआर सेट पे देखिए लगा बुकलेट निगम है, इसको पूरा भर सकते हैं। अगर आपको डेमो एमआर चाहिए तो इलर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए दुर्गेश सर लिखिएगा, इलर्निंग विद दुर्गेश को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आप एमआर सेट के जो मॉडल है उसे डाउनलोड करके एक बार भर लीजिएगा, ताकि गत्ती भी किसी प्रकार से गोला भरने में आपको सुविधा ना हो, गोला भरने में कोई समस्या ना है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डरना नहीं है, डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हाँ, सुपर टेट की नोट्स इलर्निंग विद दुर्गेश मिल जाएगी, और वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव चला, जहां भी देख रहे वीडियो को शेयर जरूर करेगा, अपने सभी साथी मित्रों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएगा, उन तक जरूर साझा करेगा। क्योंकि अभी की बार एक सेट हमारे को जो सपना है उसको पूरा करना, ये सपना तभी पूरा होगा, सपना तभी साकार होगा जब आप इसमें अपना बेहतर अपना बेस्ट देंगे। फिलहाल आप अपने रेस में आगे बढ़ते रहिए, यकीनन आप सफल भी जरूर होंगे, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छा लगता है। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, इलर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स पढ़े होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, तो यकीन मानिए आपको सीटेट फॉर एनएस कोई नहीं रुक पाया, क्योंकि सीटेट पूरी तरह से आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड का खेल। अगर आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड बढ़िया से काम कर रहा है तो सीटेट आप पार कर जाएंगे, क्योंकि बच्चा ही सीटेट में भगवान होता है। और अगर आपको यही मानकर पूरे सीटेट पेपर पर फोकस करना है, पूरे सीटेट को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। पेपर सेकंड जिनका है, जो पेपर टू वाले हैं, उनके लिए क्या होगा कि 1 से लेकर 30 तक तो सभी के लिए कॉमन होगा, सीडीपी होगा, लेकिन 31 से लेकर 90 तक जो 60 सवाल है, एसएसटी वाले एसएसटी सॉल्व करेंगे और साइंस मैथ वाले साइंस मैथ सॉल्व करेंगे। उनके लिए भी दो भाषा का चयन है, भाषा की जो प्रक्रिया मैंने बताई है वही प्रक्रिया आपको यूज करनी है। भाषा फर्स्ट जो भी होगा, जो भी भाषा आपकी होगी वही 91 से 120, भाषा द्वितीय जो होगी वो 121 से लेकर 150 सॉल्व करनी है। उसमें भी संस्कृत अगर दूसरी बुकलेट मिलती है तो बुकलेट नंबर मिला लीजिएगा, बुकलेट नंबर एक ही होगी, टैली करा लीजिएगा। ओएमआर से भरते समय पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो शुरुआत में जो पहला भरा जाता है, क्योंकि 10 मिनट पहले आपको ओएमआर मिल जाता है, समय से पहले पहुंचने का प्रयास करेगा सेंटर पर, क्योंकि जाम की समस्या होती है, बारिश की समस्या होती है, मौसम भी खराब रहता है, तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए समय से आप निकलेगा सेंटर, समय से पहुंचेगा। मेरी शुभकामना आपके पूरे परिवार की शुभकामना, क्योंकि अब की बार आपको सीटेट पार करना है, और इस बार सीटेट जरूर पार होंगे। इलर्निंग विद दुर्गेश के माध्यम से जैसे भी होगा, अगर पेपर खत्म होने के बाद कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक यहाँ पे ये इसका एनालिसिस भी डाल सके कि सीटेट में कहाँ कहाँ से पेपर आए हैं, सवाल आए हैं, और एनसीईआरटी की रोल पूरी अहम होने वाली है। और इलर्निंग विद दुर्गेश नोट्स का इस बार भी बोलबाला रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन में आपने देखा जब भी सीटेट हुआ है इलर्निंग विद दुर्गेश नोट से ढेर सारे सवाल भी पूछे गए हैं, और ढेर सारे सवालों के साथ रहा है। तो फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक अब की बार सीटेट पर। जय हिंद, जय भारत। बस वीडियो को सर्कुलेट करिएगा, शेयर करिएगा, कोई सवाल हो तो वीडियो में कमेंट करिएगा, और कोई भी सुझाव हो तो वीडियो में सुझाव दीजिएगा। सीटेट से जुड़ा हुआ अभी तक आप सीटेट कितनी बार पास हैं और किस बार देने जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बैठते होंगे जो सीटेट नहीं पास होंगे, डरिएगा मत, बेस्ट दीजिएगा, अपना बेहतर दीजिएगा, क्योंकि अभी की बार सीटेट जरूर पार करेंगे, क्योंकि इसके बाद आपके सामने भर्तियों के पिटारा खुलने वाले हैं, सामने चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव को ध्यान में रखकर एक एक करकर ढेर सारी भर्तियां क्रम से आने वाली होंगी। क्योंकि सीटेट परीक्षा में बैठने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम खुश रहिएगा, अपने ऊपर डर को हावी मत होने दीजिएगा, आपका इस बार होना तय है, इस बार आप सीटेट जरूर कर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।